टी20 वर्ल्ड कप 2021 के पहले मुकाबले में मैदान पे आया इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल और ईशान किशन का तूफान। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की रेल बना दी। अगर आप भी जानना चाहते हो और आप भी ईशान किशन और केएल राहुल की बल्लेबाजी की फुल वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले इस वार्म अप मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 5 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में 188 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जो कि बहुत ज्यादा लग रहा था। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि इस स्कोर को भारतीय टीम चेज नहीं कर पाएगी और टी20 वर्ल्ड कप 2021 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम हार जाएगी और हार के साथ भारतीय टीम की शुरुआत होने वाली है। मगर दोस्तों, भारतीय टीम की ओर से इस स्कोर को चेज करने के लिए मैदान पर ओपनिंग करने के लिए आए ईशान किशन के साथ केएल राहुल। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज मानो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके छक्के लगाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर दोस्तों केएल राहुल ने मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके 3 छक्के की मदद से 51 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। मगर दोस्तों, गलती से मार्क वुड ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनको आउट कर दिया और जैसे ही केएल राहुल आउट हुए उसके बाद तो मानो ईशान किशन पर कोई भूत सवार हो गया हो, क्योंकि ईशान किशन ने मात्र 46 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए, 3 छक्के भी उड़ा दिए और 70 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। मगर दोस्तों, रिटायर्ड हट होकर मैदान से बाहर चले गए। आउट नहीं हुए ईशान किशन किसी भी इंग्लिश गेंदबाज पर। ईशान किशन को कोई भी इंग्लिश गेंदबाज आउट नहीं कर सका और रिटायर्ड हट होने के बाद मैदान से बाहर चले गए और अंत में आकर के ऋषभ पंत ने इस मुकाबले को छक्के से भारतीय टीम को 7 विकेट से जिता दिया। तो दोस्तों, अब ईशान किशन और केएल राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में देखा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूट्यूब न्यूज 24।